हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पास मार्केट का सबसे बड़ा स्कैश शॉट है। इससे बड़ा जो मार्केट में वो आता नहीं है। और इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे नीचे आप लोग आग इसमें जलाइएगा तो यहाँ से काफ़ी बड़ा साइज में बम निकलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यहाँ से बम निकलेगा इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर दो तीन ईंटा जो होता है उसको हम लोग रख के, और इसको जो यहाँ से जो बाहर निकलेगा बम उसको हम लोग निकलने नहीं देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होता है जब हम लोग नीचे इसको स्कैश शॉट में जब हम लोग आग लगाएंगे और उसके ऊपर हम लोग जब ईंटा रख देंगे तो क्या होगा स्कैश शॉट, क्या ये फट जाएगा? जो इसके ऊपर हम लोग ईंटा रखेंगे उसको ये फाड़ देगा या तो तोड़ देगा, जो भी होगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को हम दिखाने वाले हैं कि स्कैश शॉट के ऊपर जब हम लोग ईंटा रख देते हैं, मतलब कि जहाँ से बम निकलेगा वहाँ हम पैक कर देते हैं, तो क्या यहाँ पे होता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कमाल का ये वीडियो होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग फोड़ना चाह रहे हैं स्कैश शॉट के ऊपर, जो हम लोग ईंटा रखने का बात कर रहे हैं, वहाँ पे देखिए तीन ईंटा हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीक़े से लगा दिए हैं। अब यहाँ पे जब हम स्कैश शॉट में आग लगाएंगे तो जो इसके अंदर यहाँ पे बम जो निकलता है उसको ये जो ईंटा है वो बाहर नहीं निकलने देगा। उसके बाद देखेंगे ये जो स्कैश शॉट का जो डब्बा होता है, बड़ा सा होता है, मोटा होता है, उसको क्या ये फाड़ देगा या तो ईंटा जो ऊपर हम लोग रखे हैं उन लोगों को ईंटा जो है तोड़ देगा। जो भी होगा जब हम स्कैश शॉट को जलाएंगे तो पूरा यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए यहाँ पे स्कैश शॉट में हम लोग आग लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ईंटा यहाँ पे टूटने वाला है या तो जो स्कैश शॉट यहाँ पे नीचे आप लोग देख रहे हैं वो फटने वाला है। काफ़ी मज़ेदार का ये वीडियो होने वाला है और काफ़ी रिस्की भी है। प्लीज़ आप लोग ऐसा कभी भी ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग जो भी करेंगे अपना सावधानी के साथ करेंगे। तो चलिए इसमें आग लगाते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है स्कैश शॉट। तो गाइस जा रहे हैं इसमें आग लगाने, देखते हैं क्या होता है। भाग जो
गाइज यहाँ पे हम लोग स्काई शॉट के ऊपर यहाँ पे तीन आइटा जो है उसको हम लोग रख दिए थे और स्काई शॉट में हम लोग आग लगा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट जो लास्ट में हुआ वो यहाँ पे देख सकते हैं। स्काई शॉट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे कूट से इसको बनाया गया, यहाँ पे कुछ नहीं इसका हुआ। इसका ऊपर जो यहाँ पे ईंटा रखे हुए थे, हम लोग तीन यहाँ पे ईंटा रखे हुए थे जिसमें से एक यहाँ पे सही सलामत है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो दो ईंटा था उसमें से एक यहाँ पे उसका आधा यहाँ पे बचा हुआ है और एक इधर यहाँ पे बचा हुआ है, एक यहाँ पे है इसका, यहाँ पे ईंटा है और एक उधर गया हुआ है। एक ईंटा यहाँ पे आया हुआ है और एक कहाँ पे गया हुआ है हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक देखिए उधर गया हुआ है एक ईंटा, एक ईंटा उधर गया हुआ है। तो मतलब कि दो ईंटा यहाँ पे फूट चुका है स्काई शॉट का जो यहाँ पे डब्बा है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। इसके ऊपर हम लोग ईंटा रखे थे, ईंटा का पूरी तरह से हालत ख़राब कर दिया है। जो सबसे ऊपर ईंटा था वही यहाँ पे बच गया है, बाकी दो ईंटा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। स्काई शॉट का यहाँ पे पावर आप लोग देख सकते हैं, इतना मजबूत ईंटा था वो भी दो ईंटा यहाँ पे फोड़ दिया है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सब आप लोग कभी भी ट्राई मत कीजिएगा कि हम लोग भी ऐसा करके देखते हैं। काफ़ी रिक्सी ये वीडियो था हम लोग के लिए भी, चूँकि ये वीडियो थोड़ा सा अगर शाम को शूट करते तो और अच्छा लगता देखने के लिए, लेकिन हम लोग को मेन फोकस यहाँ पे ईंटा को करना था, इसलिए यहाँ पे हम लोग दिन में ही ये वीडियो शूट कर दिए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे करने है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा है किसी नए कमाल का नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।